न घी, न तेल, न बाती, फिर सदियों से कैसे धधक रही है ये ज्वाला? न आग, न धुआं, न ताप, फिर कैसे हजारों सालों से उबल रहा है ये पानी? माँ की कोई प्रतिमा नहीं, कोई आकार नहीं, फिर कैसे अनंत काल से ये है आस्था का केंद्र? यहाँ माता ज्वाला का काफी चमत्कार है, और जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से माता से प्रार्थना करता है, माता रानी उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। माँ ही है हमारी, हमको सब कुछ इन्हीं से मिला है। बावन शक्तिपीठों में से एक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा का ज्वाला देवी मंदिर। इस मंदिर में प्रवेश कर हम हैरान हो गए। मंदिर के मुख्य भाग में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि अखंड ज्योति है। तख्ती रूप में ये ज्वाला जी, यहाँ पर ज्वालामुखी में 11 जगह ज्वाला ज्योतियां हैं। ये सभी ज्वाला ज्योतियां बिना घी बाती से 2400 घंटे ऐसे जलती हैं। इनमें कोई भी न घी डालता है, न ही कोई बाती है, ये स्वयं जल रही हैं, और कुछ सालों से नहीं बल्कि सदियों से। ये न बुझी है, न इनकी लौ कम हुई। भक्त भाव विभोर हैं, हम भी आश्चर्यचकित हैं। ऐसी 9 ज्वालाएं मंदिर के भीतर लगातार जल रही हैं। पूजा अर्चना के बीच हम मुख्य ज्योति के पास पहुंचे, जो धरती में करीब 3 फीट नीचे है। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। बहुत कम ही जगह है धरती पर जहां पर ईश्वर प्रत्यक्ष रूप में नजर आते हैं। सैकड़ों रूप मां के, यहां का रूप ज्वाला। मान्यता है कि ये ज्वालाएं देवी का मुख है, यही वजह है कि इस जगह का नाम ज्वालामुखी है। 9 ज्योत में माँ का हर रूप देखा जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, भोग लगाया जाता है। दिन भर भक्तों का रेला लगा रहता है। मंदिर में केवल देवी रूपी ये 9 ज्योतियां नहीं जल रही, बल्कि पूजा के बाद जब भक्तों को चरणामृत दिया जाता है तो उसमें साक्षात लौ नजर आती है, मानो पानी में आग लगी हो। इस चरणामृत को लेते हुए एक पल को लगा कहीं हथेली न जले, पर जलता हुआ ये पानी बेहद शीतल, बिल्कुल ठंडा। मन में सवाल ही सवाल उठ रहे थे। आंखों से चमत्कार देखकर भी दिमाग से चमत्कार स्वीकार करना मुश्किल था, पर कुछ तो वो था जो हमारे सामने चल रहा था, और कुछ वो कहानियां जो हमें सुनाई जा रही थी। माँ जी के आदि शक्ति जो सोने के वो जड़े हैं पतरे और जड़ेंगे, वहाँ माता जी का 6 रूप हैं। वो रंग बदलती है, कभी नीला, कभी पीला, कभी हरा, कभी लाल, कभी सुर्ख। जब लाल सुर्ख रंग हो तो समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई उपद्रव होगा, कोई ना कोई ना बाधा आएगी। माँ जी का जो नीला रूप है ये शांति का प्रतीक है। माँ जी का जो पीला और नीला रूप है ये सुख शांति और कल्याण का रूप है। तो माँ जी का लाल रूप है ये क्रोध का रूप है। इसकी महिमा अपरंपार है। हम आपको मंदिर की पूरी महिमा बताते हैं, क्योंकि इस प्रांगण में बहुत कुछ ऐसा है जो मनमोहक है, अद्भुत है। मौजूदा सभ्यताओं की कहानी जहां से शुरू होती है, ज्वाला देवी मंदिर की कहानी उससे भी हजारों हजार साल पुरानी है, जो सदियों से पीढ़ियों के बीच कही और सुनाई जाती है। तमाम प्रचलित मान्यताओं के मुताबिक कभी इस जगह पर देवताओं और दैत्यों का भीषण युद्ध हुआ था, जो सैकड़ों साल चला था। इसके अंत में देवता हार गए। अपनी हार के प्रतिशोध के लिए सभी देवताओं ने अपनी ऊर्जा एक साथ इकट्ठी की, तो ज्योति पुंज से मां आदिशक्ति का जन्म हुआ। उन्हीं की अवतार सती ने भगवान शंकर से विवाह किया।
माँ सती जब हुई थी मतलब उन्होंने उनके पिता राधा दक्ष जी ने होम किया, हवन किया और उसमें शिव जी अपने जमाता को नहीं बुलाया तो उन्होंने जिद की कि मुझे जाना है। अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में बिन बुलाए यज्ञ में चली गई। वहाँ पर उनका और उनके पति शंकर भगवान जी का अपमान हुआ। उसी जलते हुए यज्ञ में उमा जी ने अपने शरीर की आहुति दी। उसमें उनके अपमानित जलते हुए शरीर को लेकर के जब शंकर भगवान जी ब्रह्मांड में घूमने लगे तो सभी देवी देवताओं ने शंकर भगवान जी का पत्नी मोह दूर करने के लिए विष्णु भगवान जी से प्रार्थना करके उनके सुदर्शन चक्र द्वारा माता सती के शरीर का खंडन कराया। सती शरीर के उसमें ये 52 हिस्से हुए। जब कड़खल में महायज्ञ हुआ था, पार्वती जी ने यज्ञ में छलांग लगा दी थी, उसका सब कंधे में रख कर शिव जी ताडव नृत्य करने लगे थे, तो वो उत्तराखंड से हिमाचल की ओर चले, तो हिमाचल में माँ जी का शरीर गिराते चले गए। तो ज्वाला जी में जीवा रूप है, तो जीवा रूपेण होने से माँ जी का ये दिव्य रूप है। पौराणिक किस्सों से भी ज्यादा अनूठी है इस मंदिर की तस्वीरें। मंदिर प्रांगण में ही ये भाग गोरख डिब्बी कहलाता है। यहाँ मंदिर तल में पानी को देखिए, पहली नजर में हमें लगा ये पानी उबल रहा है, पर तभी पंडित जी ने उसमें हाथ डाल दिया, जल हम पर छिड़का, तब पता चला ये तो ठंडा है। उस दिन से इसको गोरख तोड़ी या गोरख डिब्बी कहा जाता है। माई की माया से जल उबल रहा है, गुरु गोरखनाथ जी की योग माया से ठंडा है। माई अलोप होगी, बोल सच्चे दरबार की जय। क्या है ये करिश्मा, उबलता हुआ प्रतीत होकर भी ये ठंडा क्यों है? क्यों इस तेजी से इसमें उठते हैं बुलबुले? और तभी पंडित जी ने इसे धूप दिखा दी, देखिए तो कैसे भभक उठी ये आग। मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। फिर पंडित जी ने हमें एक कहानी सुनाई, बताया कभी यह पानी इतना गर्म होता था कि इस पर खाना पक सकता था, लेकिन ज्वाला देवी की इच्छा से ये ठंडा हुआ। ता खिचड़ी का पात्र है जिसे गोरख तोड़ी या गोरख डिब्बी कहा जाता है। ज्वाला मामाई की माया से जल उबल रहा है, गुरु गोरखनाथ जी की योग माया से ठंडा है। कथाएं, श्रद्धा, विश्वास, ये सभी बातें इस प्रांगण में अगर चरम पर हैं तो इसीलिए, क्योंकि यहाँ भक्तों को ईश्वर प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और उन्हें इस चमत्कार की कोई व्याख्या नहीं मिलती। सच कहें तो लोगों को किसी कारण की तलाश भी नहीं है। यहाँ सुने कि बिना तेल का दिया जलता है, इसलिए आए दर्शन करने ज्वालामुखी जी। पहली बार आए हैं यहाँ? आपको लगता है यहाँ पर कोई चमत्कार है कि बिना तेल के? चमत्कार है तभी तो आ रहे हैं। महिमा उनकी सुनी है। जैसे जैसे कि सबकी इच्छा पूरी कर देते हैं, हम भी मनोकामना से ही आए हैं। अगर सच में अगर पूरा कर दी तो हम हर साल आएंगे, हर बार आएंगे, जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार आएंगे। तो यहाँ से आप जोत जला कर ले जाएंगे? हाँ, यहाँ से जी अम्बाला पहुँचे। अम्बाला जाएंगे अब यहाँ से आप? अच्छा, अम्बाला सिटी। तो आप पहले भी आते रहे हैं यहाँ पे? हर साल आते हैं, हर साल आते हैं, हर साल। ऐसा क्या है माँ की महिमा में कि हर साल? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है यहाँ पे। मुंह मांगा सब कुछ मिलता है, जो मांगो सच्चे मन से सब कुछ मिलता है। जो अगली कहानी हमने सुनी उसके तो प्रत्यक्ष दर्शी भी मिले। भादो महीने में या सावन महीने में माँ जी की जो ज्योतियाँ यहाँ से शांत हो जाती हैं, जब बहुत बारिश हो, तूफान हो, शांत हो जाती हैं और श्री नैना देवी जी में चली जाती है अपनी बहन से मिलने, और वहाँ पत्ते पत्ते पे कोने कोने पे हाथों में आ जाती है। जिन यात्रियों के हाथ शुद्ध होते हैं, जिन लोगों के हाथ शुद्ध होते हैं, उनके हाथों में आ जाती है। ये चमत्कार तो मैंने खुद देखा है। ज्वाला जी में एक मान्यता और है, और वो ये कि यहाँ किए गए यज्ञ की शक्ति की तुलना दुनिया में नहीं है, इसीलिए इस हवन कुंड की अग्नि कभी शांत ही नहीं होती। वेदों में शास्त्रों में लिखा गया है कि कहीं पर भी यज्ञ किया जाए उसका 10,000 गुना फल यहाँ मिलता है। इसका अर्थ यह निकलता है कि कहीं पर भी किया हुआ 10,000 यज्ञ और यहाँ पर किया हुआ एक यज्ञ एक बराबर है। इसीलिए दिन भर हम देख रहे हैं कि भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। जी, यहाँ पर क्योंकि यज्ञ करने की महानता रहती है, इसलिए सुबह से लेकर के रात्रि तक यहाँ यज्ञ होते रहते हैं, और जो शुभ तिथियाँ नक्षत्र होते हैं अष्टमी नवमी पूर्णिमा अमावस्या, उन दिनों में दिन रात में लगातार हवन होते हैं। आस्था को कल्पना का नाम नहीं दिया जा सकता, आस्था का प्रमाण नहीं हो सकता, आस्था को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। हम इसकी कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल ये जानना चाहते हैं कि ये ज्वालाएं कैसे जल रही हैं, ये पानी कैसे उबल रहा है,
क्यों हल्की सी चिंगारी पर जल उठता है ये पानी। चरणामृत में ये लौ कैसी है? इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करने वाले हम पहले नहीं हैं। ये कोशिश बादशाह अकबर ने भी की थी। क्या निकला था नतीजा? इतिहास में किस रूप में दर्ज है ज्वाला देवी का चमत्कार, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। ज्वाला जी का वर्णन दुनिया की सबसे प्राचीन मंदिरों के तौर पर किया जाता है। दरअसल इसका जिक्र महाभारत में भी मिलता है हमें, लेकिन सबसे ताजा और दिलचस्प वर्णन इसका मिलता है अकबर के संदर्भ में। बात 15वीं शताब्दी की है, जब दिल्ली पर अकबर बादशाह की हुकूमत चलती थी। मां ज्वाला देवी के दर्शन को जा रहे एक भक्त ध्यानु भगत को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया। ये राजा अकबर ने ध्यानु जी से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। बोले ऐसे वहाँ पे देवी के दर्शन होते हैं, ज्योति रूप में है, शक्ति है। उन्होंने बोला कि मैंने किसी शक्ति को मानता हूँ। कहा जाता है अकबर ने चमत्कार की कहानी को अंधविश्वास समझा और चुनौती मानकर मंदिर में प्रज्वलित ज्वाला को बुझाने के उद्देश्य से कुछ दूर पर बह रही नदी का रुख मंदिर की तरफ मुड़वा दिया। इतिहास के उस किस्से के कुछ निशान भी हमें प्रत्यक्ष मिलते हैं, जैसे कि ये कुंड। बताया जाता है कि यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो डेढ़ा मंदिर है, वहां से एक नहर अकबर लेकर आया था यहाँ पर, ताकि ज्वाला को वो बुझा सके। अब ये कुंड के तौर पर यहाँ नजर आता है और लोगों की श्रद्धा का हिस्सा बन चुका है। बादशाह अकबर ने लाख कोशिशें की पर ज्वाला बुझी नहीं। अकबर को एहसास हो चला था कि कोई ना कोई चमत्कार तो है। पीढ़ियां बदली, दौर बदले, राजे रजवाड़े गए, मुगलों की सल्तनत का सूरज भी अस्त हुआ और हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज कायम हो गया। अंग्रेजों के राज में भी ज्वाला जी में जलते दीपकों की वजह जानने की कोशिशें, अकबर के दिए इस छत्र का धातु समझने के भी प्रयास हुए। जो आप इसमें छोटे छोटे आप छेद देख रहे हैं, ये मेटल जो है इसकी चेक करने के लिए लेके गए थे। ये बोलते इनका अंग्रेजों का राज था तो इसको मेटल चेक भी हुआ है इसका। अकबर ने माना कि ये शक्ति है। जलती हुई जीवाग्नि और मुख से 11 ज्वाला ज्योतियां। माता पार्वती बोली कि राजा दक्ष के यज्ञ में जाएंगे। माँ ज्वाला देवी शक्तिपीठ है और सदियों से राजाओं में भी ये मान्यता रही है कि यहाँ पर आकर अगर वो कुछ मांगेंगे, कुछ अर्पण करेंगे तो उनकी शक्ति बढ़ेगी, उनकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। यहाँ पर प्रांगण में ही नेपाल महाराज का दिया हुआ एक मंदिर का घंटा आप देख सकते हैं। यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह का चढ़ाया हुआ चढ़ावा देख सकते हैं। यानी कि मौजूदा दौर में ही नहीं बल्कि न जाने कितने सालों, दशकों, सदियों से यहाँ पर महाराजा आते रहे। ज्वाला देवी की ख्याति बीतते सालों के साथ बढ़ती ही जा रही है। यहाँ जो चमत्कार आंखों से दिख रहे हैं, उससे परे लोग अपने जीवन में भी माँ का आशीर्वाद रूपी चमत्कार महसूस करते हैं। आपको अलग दिख रहा है यहाँ? पहले से बहुत इसमें तरक्की हो गई है पहले से। पहले तो ऐसे ही था, कुछ ये मंदिर था और वो गर्म कुंड पानी का, तो वो ही था बस। तो आप माँ के चमत्कार को मानते हैं? जी हाँ, चमत्कार तो है। एक्चुअली ज्वाला माता हमारी कुलदेवी है, तो फिर हर महीने यहाँ पे आके बस माथा टेकते हैं और हर काम पूरा हो जाता है। साक्षात दर्शन है माँ के, ज्वाला ज्योति के रूप में साक्षात दर्शन यही मिलते हैं। जितनी बार आए हैं अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, जहाँ भी जाओ मिलती है, लेकिन यहाँ आके थोड़ी ज़्यादा मिलती है। यहाँ चारों ओर जो श्रद्धा आपको नजर आ रही है, इन्हें अपनी चमत्कार की कोई वजह नहीं चाहिए, इन्हें बस भक्ति चाहिए, बस उसी में विश्वास है। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।